हाँ जी बच्चों खुश हो जी। आवाज नहीं आई जी। चलो सही है। ये जो है ना छोटू सा, इधर देखो खुश हो हैं? चलो जी अब ये कहो कि अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। बेशक ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो आपको कितनी इज्जत से नवाजते हैं और किसको उस चीज़ से महरूम रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुनाफिकीन से और बुरे लोगों के शर से महफूज रखें और हर इंसानी हैवानी शैतानी हर तरह की बुरे असरात से हम सबको महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ तो फिर मैं सोच रही होती हूँ कि ये ऐड करूँ या ये स्किप कर दूँ, ये ऐड करूँ या ये स्किप कर दूँ। बस इसी सोच में सोचते सोचते मुझे आज जो है वार्डरोब का थोड़ा सा सेगमेंट शॉर्ट करना पड़ा। ये जी मन डॉट पसंद डॉट बेकरी का ऑर्डर था, चिकन ब्रेड का और पराठा रोल का, वो जा रहा था तो उसके भी थोड़े से मैंने ग्लिम्प्स बना लिए। और जी आज हुआ क्या है, आज ये हुआ है कि मैंने एक छोटी सी नात एक पढ़ी थी और बहुत अच्छी खूबसूरत पढ़ी और मैं उसके सहर में इतनी खो गई थी, जबकि मुझे उसके लिए रिक्वेस्ट और आई थी कि जी आपने इसको पढ़ना है। और बस फिर ये हुआ कि मैंने पढ़ा उसको, बहुत मैं खुद महजूज हुई उसको पढ़ के, बहुत खुश हुई, उसके सहर में खो सी गई थी मैं। लेकिन ये हुआ कि उसको सेव भी कर लिया, अपलोड भी कर दिया, लेकिन जो YouTube है उस पर कॉपीराइट्स आ गए। फिर मेरी एफर्ट ये हुई कि मैंने उसको जो है दोबारा से उस एक जगह को फिल कर रही हूँ अपनी वॉइस ओवर से, जो कि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, और जहाँ रहें आप खुश रहें और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। ये जी मैंने चिकन नूडल्स बनाए थे, सूपी नूडल्स, जो कि थोड़ा सा सूप छोड़ा था मैंने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने इसमें ऑलिव्स ऐड किए और थोड़े से सॉसेस ऐड किए और फिर मैंने इनको खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज के व्लॉग में बन रही है अल खुशी फाउंडेशन की तरफ से बच्चों में चना बिरयानी, और व्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक देखें, मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, जितने अच्छे व्यूज आएंगे। हाय एवरीवन, आज आपको बताए क्या था? क्या था आज? आज था क्या जी? क्या पता? आप अभी क्या बता रही थी, बताओ। नहीं पता। आज हमने बांटी चना चना बिरयानी बिरयानी। ये देखें टन टन है ना। मैं बनाऊ? आप बनाओगी? अब तो खत्म हो गई, हमने बांट दी। ये हमने बांट दी हम है। चलो अब देखो, अब देखो, आप देखो, जंप करो, आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही। चलो अच्छा एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करो ठीक है। नहीं, मैंने दिखाई था। देख लिया आपने अंदर जी? कैसे देखा? खत्म था। खत्म था? और किसने उठाया आपको? आपको किसने उठा के दिखाया है, बताओ? अच्छा बच्चे हैप्पी थे ना बाहर जी? कितने हैप्पी थे? बहुत खुश। माशाल्लाह आप भी खुश हो? फाउंडेशन। आपको अल खुशी फाउंडेशन। अल खुशी फाउंडेशन। ओके सबको बाय कर दो अब। बाय। कौन? आपको अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। अल खुशी और फाउंडेशन। अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। ये अब ऐसे करो ना, ये जिंदाबाद ऐसे कर रहे थे ना बच्चे बाहर जी। चलो कर रही थी। नेक्स्ट टाइम सब करेंगे ठीक है? ठीक है। ओके बाय बाय।
जी, तो अलखुशी फाउंडेशन की तरफ से आज हमने बांटी चना बिरयानी, जबकि मैंने ऑर्डर किया था चना पुलाव का, और उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया जी, हमारे जो पकविया साहब हैं जिन्होंने पकाया इसको, वो जी चना बिरयानी आ गई चना पुलाव की जगह। तो मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम मैंने देखी, मैंने कहा वाओ दिस इज़ रियली एग्जैक्ट लाइक चिकन बिरयानी, और मतलब टेस्ट में भी मुझे बहुत मज़े की लगी है। और बस मैंने फिर जब इसको टेस्ट किया तो मेरा दिल चाह रहा था मैं खाती जाऊँ। ये स्पाइसी भी थी थोड़ी, लेकिन मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑर्डर करूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा इसको स्पाइस कम रखें, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, ठीक है बड़े भी खाते हैं लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा ये होता है कि वो इतना स्पाइस नहीं खाते। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट थी क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन ज़्यादा स्पाइस खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, स्पाइसेस कम ही रखने चाहिए। तो ये भी मैं अपने आप को समझा रही हूँ। तो ये स्पाइस तो मैं इंज पानी आना के बस ना ही पूछो। तो खैर समटाइम जहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा रखने चाहिए वो करने भी चाहिए, और हमने ये जब अल्लाह ताला की राह पे कोई चीज़ बांटनी होती है ना तो बहुत ख्याल रखना होता है हर चीज़ का। हालांकि मैंने बोला भी था कि जी ये बांटने हैं मैंने, और फिर भी थोड़ा सा स्पाइस बकौल बच्चों के कि जी थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम रखेंगे। सो ये जी चना बिरयानी बहुत टेस्टी लगी मुझे, और मैंने स्पेशली इसके ऊपर जी चटनी डाल के खाई। और वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ताला की राह पे आप जब कुछ खर्च करते हैं, कुछ देते हैं पका के, तो उसमें अलग सा ही टेस्ट होता है। ये इस ऊपर रख देते हैं ना ऐसे। चलो चलो सुमेरा, फातिमा को बुलाना। फातिमा फातिमा पूछ, अगर पूछ नहीं फातिमा को कर रही है ना, वेट कर रहे हैं उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी तो बहुत अच्छी है। किसे देखा? मुझे क्या पता बेटा, ये इस फ्रिज ने किया बेटा। चलो चले देते हैं। चलो 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 बाद में, चलो जल्दी सारा दिन आना गेट खोल। ये देखो जी छोटू सा बच्चा। हेलो मामा, छोटू सा बच्चा है, छोटा सा। चलो इसकी लाइन बनवा जी। तो बच्चे आ गए थे और लाइन सब की बनवाई के जी चलें जी डिसिप्लिन के साथ खड़े हो जाएं, वन बाय वन सबको दें, ये ना हो कि कोई रह ना जाए और कोई जो है जो कहते ना कि बच्चे कहते ना साड़ी भैन का भी हिस्सा साड़ी अम्मी का भी हिस्सा, तो वो चीज़ रिपीट ना हो। बस मैं ये कहती कि सबको मिल जाए और सब खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के। है? बताओ चलो जी फातिमा इधर आ जाओ। नो दो चलो जी आओ भाई। चलो हाँ जी बच्चों खुश हो जी।
आवाज नहीं आई जी। चला सही है। ये जो है ना छोटू सा, इधर देखो खुश हो हैं। चलो जी अब ये कहो कि अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद, अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपको और मेरा हम सबका मुकद्दर हो, आमीन सुमामीन। इसी प्यारी से दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम व्लॉग स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। जैसे कि मैं मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं व्लॉग्स जो हैं एडवांस में रिकॉर्ड करके रखूं और मैं उसको फिर वक्फे वक्फे से आपके साथ शेयर करती रहूं, तो बस उसी पे ही इम्प्लीमेंट करती जाती हूं हमेशा ऑलवेज। सो जी अपनी दुआ में मुझे खास शामिल रखिए। आज मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर हो रही है रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, चिकन चीजी पोटैटो बाइट्स भी कह रहे हैं, बॉल्स कह लें, लॉलीपॉप कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन जो है इसकी जो एग्जैक्ट लुक है वो बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। मज़ा आया खा के और घर में भी सबको मैंने टेस्ट कराया तो सबने यही कहा कि बेकरी स्टाइल लग रहा है। तो ऑब्वियसली मन डॉट पसंद डॉट होम बेकरी का पेज है हमारा जी ऑनलाइन, मन पसंद बेकरी है, तो हाथों में टेस्ट भी बेकरी के स्टाइल का ही होगा ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो जी आप जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम के पेज मन डॉट पसंद डॉट होम बेकरी पे, और ऑर्डर भी कर सकते हैं आप मजे मजे के, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, आप जाइए पेज को विजिट कीजिए और ऑर्डर कीजिए। और इसके अलावा एम डॉट आई फैशन कलेक्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं और डिटेल्स पूछ सकते हैं वहां पे ज्वेलरी की। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो क्लॉथिंग प्रिंट है वो भी आपके साथ शेयर होगा, आप ऑर्डर कर सकेंगे इजीली आराम से, और बहुत ही खूबसूरत चीजें जो हैं आपके साथ शेयर होने वाली हैं। सो जी मेरे साथ बने जुड़े रहें, व्लॉग को एंड तक देखें, और जैसे कि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ और अपनी फाउंडेशन अल खुशी फाउंडेशन के लिए कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे और हमारा जो टारगेट है मिलियंस में हम जाएं, इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी जरूर होंगे, मिलियंस से बढ़ के होंगे इंशाल्लाह। सो जी एक बहुत अच्छी सी बात आपके साथ मैंने शेयर करनी है, एक मेरी बहुत अच्छी और स्वीट फ्रेंड बन गई है, ऐसे सीरियसली हर किसी से भी दोस्ती आप नहीं कर सकते, हर किसी से आपका माइंड मैच नहीं करता, बहुत मुश्किल से आपका कनेक्शन जुड़ता है। अगर आप अच्छे हो, सामने वाला कुछ डिफरेंट हो, तो फिर ऑब्वियसली आपकी नहीं बनती, बस वो फिर सलाम दुआ होती है और टाटा बाय बाय होती है। तो वो जो है जिनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है और बनती जा रही है बहनों की तरह फ्रेंड्स की तरह, तो जी उनका पेज है ट्रेंडली मॉडिश के नाम से, नेल्स हैं आर्टिफिशियल नेल्स हैं, आप उनको अपने जो है ना वीकेंड्स पे कोई पार्टी है या फिर आप इवेंट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हैं लाइक शादी है, घर का फंक्शन है और आप नेल्स से भाग रहे हैं, तो आप यकीन करें आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेंडली मॉडिश पे जाएं। मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनका पेज और डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर करूंगी, आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आप उनको जाके ऑर्डर कीजिए, सीरियसली बेस्ट नेल्स हैं उनके और बेस्ट क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है, मैंने खुद ऑब्वियसली लिए हैं और मैंने फिर गिव अवेज भी दे रही हूँ, लास्ट मैंने व्लॉग में गिव अवे दिया है निशा क्रिएशन को, और जब उनको मिलेगा तो जरूर वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आपसे। सो अभी जो है मतलब बेस्ट क्वालिटी है, शादी मेहंदी वलीमा इन सब पे आप आराम से वेयर कर सकते हैं और रिमूवेबल हैं, और आपको ये अच्छी उसमें बेस्ट चीज मिल रही है कि आप अगर उतार भी देते हैं तो उसके बाद आप 4 से 5, 6 से 7 दफा दोबारा लगा सकते हैं, मतलब दोबारा एप्लीकेशन उसकी कर सकते हैं और दोबारा लग जाएंगे आपके नेल्स पे। और इसके अलावा अगर आप इसको रखते हैं तो इसके अलावा स्टिकर भी मिलते हैं ना, आप उनको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं उनसे। सो ट्रेंडली मॉडिश पे जाइए, बेस्ट चीजें आपको मिलेंगी, मैं तो बार बार ऑर्डर कर रही हूँ और साथ साथ गिव अवेज भी दे रही हूँ, तो आप जो है उनके पेज को फॉलो कीजिए, ट्रेंडली मॉडिश के नाम से पेज है, और उनको फॉलो कीजिए, ऑर्डर कीजिए और जो है ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार शो कीजिए।
सो जी मैं उन्हीं की बात कर रही थी कि मतलब ये बात नहीं है कि जी मैं उनका नाम ले रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली जो मेरे दिल को भा जाता है मैं उसको जरूर डिस्कस करती हूँ, बार बार उसका नाम भी लेती हूँ, जिक्र करती हूँ कि जी एक अच्छे लोगों की जो जब मेरे साथ कनेक्शन हो, जुड़ जाए, तो फिर मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। तो वो एक एग्जैक्ट बात है कि वो उनसे बात करके मुझे कभी लगा नहीं है ऐसे कि हम पता नहीं पहली दफा मिले हैं, या अब तो खैर हमारी बात होती रहती है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके उनकी और मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह बनती है और बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं होता। अभी आप देखें कि चाहे वो यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी तरफ से अपने घर में बैठ के सेलिब्रिटीज बनी हुई हैं, लेकिन उनके नखरे, उनकी बातें आसमानों को छूती हैं। मैं तो समझ नहीं पा रही। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसा ऐसा मैं अपनी जो मेरी जो चीजें हैं जिनको मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं जब करूंगी तो ऑब्वियसली आप खुद भी शायद आप में से बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करें कि हाँ जी अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप जो है झुके हुए पेड़ को फल लगता है। तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलती जा रही है। मैं ट्रेंडली मॉडिश की जो ऑनर है उनकी बात कर रही हूँ कि मतलब इतनी अच्छी, स्वीट, डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस पर्सन, ब्यूटिफुल हार्टेड वुमन, मतलब बहुत अच्छी लेडी हैं वो। और उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सीरियसली मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपका स्टाइल सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका दुआ देने का स्टाइल बहुत अच्छा है और परफेक्शन जिसको बोलती है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है। हम तो सिर्फ, हमारा लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहेगा, हम जब तक जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या सही है, किस तरह से हमें आगे और बेहतर करना है। तो ये कोशिश है। थैंक यू सो मच ट्रेंडली मॉडिश की जो पेज के ऑनर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेस्ट बात जो मैं कह रही रह गई है, उन्होंने बोला कि जी आप ये ना सोचें कि अभी फॉलोअर्स कम हैं और व्यूज इतने नहीं हैं तो आप शायद काम अच्छा नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा काम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आउट ऑफ द वे जाके अच्छा कर रही हैं, और मैंने इस तरह का कुछ नहीं देखा कि सेगमेंट्स में हो कुछ, और मतलब कुछ अट्रैक्टिव हो जो हमें बिठा दे और जो मतलब हमें देखने पे मजबूर करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपको। मैं सच्ची से ये चाहती थी सुनना कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही चवले तो नहीं मार रही तो ये वैसे एक चवली थी जो अभी गई है, लेकिन मुझे पता है मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम के साथ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जो अपने तरीके से जो सेलिब्रिटीज बन के यूट्यूबर्स बैठे हैं घर में, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे और मजीद और बेहतर करने की तौफीक दे। जब कहते हैं ना कि जब आपको अल्लाह ताला कामयाब कर रहे हो और आपके अच्छा एक नाम बन रहा हो, तो अपने गले में अल्लाह माफ करे तो मेरी इस्तफार आप वो ना डाल दें कि जी अब तो हम कुछ बन गए हैं, हम तो कुछ हैं। तो अल्लाह ताला को अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने कहते हैं ना गर्दन में सरिया डाल देना और तन जाना कि हम तो कुछ हैं, कुछ भी नहीं है भाई। इंसान कोई कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की जात बड़ी है और अल्लाह ताला ने ही आपको ये जो इज्जत शोहरत दौलत दी है। तो ये कहते हैं कि पल झपकते पता भी नहीं चलता। कोई भी इंसान है, इवन आम इंसान है, आम बिजनेसमैन है, या यूट्यूबर्स को नहीं मैं स्पेशली दो रही, मतलब मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि हर इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको अचानक से कुछ दे दिया है तो आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। वो कहते हैं ना कि जब बांट के आप खाते हैं ना तो उसका सवाब ही कुछ और है। आपके पास कोई आता है, कोई अच्छा इंसान है, शाउट आउट दें उसको, उसको अप्रिशिएट करें, उसका साथ दें। ये नहीं है कि जी नहीं जी असी तो कल ही टूरना, फिर उस बस आजकल के दौर में बस मैं क्या कहूँ। खैर अल्लाह ने ही पाला पड़वाया ऐसे लोगों से, पाला जो पड़े तो मैं खुद ही साइड पे हो जाती हूँ कि नहीं भाई साथ सलाम है। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जब आपकी बैठती 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 एक बैठ जाए ना, तो बस मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे लोगों की, वो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। सो खैर अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई है। अभी हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। चिकन चीज पोटैटो लॉलीपॉप कह लें आप, जो भी कह लें आप, बस आप ये ट्राई करें मेरी ये रेसिपी। ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आएगा, आपको कहते हैं ना कि घर से मिलेगी वाह वाह की दाद, और ऑब्वियसली आपके दस्तरखान को लगेंगे चार चांद जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगी। तो जाहिर है जो वाह वाह भी जब मिलेगी तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपने मेरा भी रखना है, क्योंकि वाह वाह आपको मिल रही है तो आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और उसकी वाह वाह थोड़ी सी मेरे लिए भी बनती है। सो जी अपनी दुआओं में खास खास शामिल रखें और इंशाल्लाह चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हयू या कयूम वेलकम इताडा महरीन द किचन च अज मैं थोड़े वास्ते लेके आई हाँ जी बहुत ही मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार ते लाजवाब रेसिपी चिकन पटैटो चीज़ बॉल्स दी तुसी लॉलीपॉप भी बोल सकते हो इनू ते चिकन पटैटो चीज़ बॉल्स भी बोल सकते हो बहुत ही मज़ेदार तो ये मिलियस बनी बहुत ही ईजी क्विक झटपट है तुसी आराम नाल अपने अफतार दी कहिंदे ने ना टेबल नू इस रेसिपी नाल सजा सकते हो ते अपने वड्डियां तो लै सकते हो जी वाह वाह दी दाद ऐ जी मैनू ब्रेड क्रम्स मैं मंगाई सी क्योंकि लास्ट टाइम जदों मैं एक रेसिपी बनाई तो वह जी इंस्टेंट सी फोरन फोरन तो ख़त्म हो गई सी तो मैं क्या हूँ मैं की करा तो मैं अपना जुगाड़ तो ला लिया सी लेकिन यह जी मैं अंकल शेफ दी जी इन्ना वड्डा पैकेट मंगा लिया ना ब्रेड क्रम्स का यह जी पूरा रमज़ान इंशाला अलहमदुल्ला माशाला लंघ जाना तो यह जी थानू की चाहिए ये एक कप भर के श्रेड चिकन लोगे बॉयल्ड ते दो तो तीन या तीन तो चार आलू बल्कि तुसी इस तरह करे जे मैं तो चार आलू लए ने तुसी भी चार आलू लो क्योंकि मैं इन्हां नूं मैश करके रख दिता सी ते जदों मैं रिकॉर्ड कर रही हाँ तो फिर जाहिर है तुहानू डिटेल च दसना तो फिर एग्जैक्ट दसनी हाँ कि एक दरमियानी प्याज भी तुसी छोटे छोटे चॉप करके वह भी विच ऐड करनी है तो धनिया जिहड़ा है हरा धनिया वह भी तुसी थोड़ा जिहा चुन के साफ सुथरा करके चॉप करके वह भी इहदे विच ऐड कर दो ते वन टेबल स्पून एक वड्डी जिहड़ी चावल खाने वाली चम्मच है वह तुसी इहदे विच ऐड करोगे धड़ा मिर्च जिहड़ी लाल कुटी हुई लाल मिर्च हुंदी है ते उहदे बाद तुसी एक जिहड़ा है वन टी स्पून ऐड करोगे काली मिर्च का ते वन टी स्पून तुसी ऐड करोगे रेड चिली पाउडर ते नमक जिहड़ा है सॉल्ट हसबे जायका ते हुण जी तुसी चंगी तरह इहनू मिक्स कर लो ते थोड़ा जिहा जीरा पाउडर भी इहदे विच ऐड कर लो लाइक हाफ टी स्पून ठीक हो गया ते हुण जी तुसी चंगी तरह इहनू मिक्स कर लो मिक्स करन दे बाद जिहड़ा फिर तुसी एक चम्मच भर के इहदे विच कॉर्नफ्लोर दा भी ऐड करना है कॉर्नफ्लोर इस तरह हैल्प करेगा कि यह जोड़ देगा इन्हां नू जोड़े रखेगा तुहाडे कबाब खुलनगे नहीं लॉलीपॉप कबाब खुलनगे नहीं ठीक हो गया सो जी यह ब्रेड क्रम्स ते दो अंडे मैं लए ने उन्हां नू चंगी तरह फेंट लिया ते जी अंकल शेफ भी साढ़े नाल ही खलोते ने कि ऐसे इत्थे बह जाओ लास्ट टाइम ब्रेड क्रम्स खत्म सी ते अज मैं उन्हां नू इत्थे बिठा लिया सो जी अंकल शेफ दी ब्रेड क्रम्स असी यूज़ कीती है चंगी सी लुकवाइज भी चंगी सी ते खाने च भी चंगी सी सो जी हुण असी सब कुछ तैयारी कर ली है यह चीज़ भी असी रख ली है छोटे छोटे टुकड़े कट के तुसी भी अपने हिसाब के मुताबिक कट लो कि वड्डा टुकड़ा चाहिए तो वड्डा कट लो छोटा चाहिए तो छोटा कर लो सो यह जी मैं तीन प्लेटा यह बना के रख दित्तियां ने छोटिया छोटिया आलू दे मिक्सचर दी चिकन दे आलू ते अनियन दे मिक्सचर दी ते उहदे विच मैं ऐड कर रही हाँ जी चीज़ हुण असी इहदे बनावांगे बॉल्स इहनू चंगी तरह कवर कर लांगे चीज़ इस तरह कवर होएगी कि अंदर जाएगी आलू दे ठीक है ना यह जिवें कोलियां बनिया हुई हैं इन्हां ना यह चुक के तुसी बस इन्हां नू गोल गोल पैक करना ते बस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਬਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਫੈਂਟਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਫੈਂਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੀ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਇਲ ਓਇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਓਇਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਓਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਕਰੋਗੇ
तो यदि चीज़ जड़ी है वह अंदर गर्म हो जाएगी तो मेल्ट होने लग जाएगी। अगर तुहानू लगता है कि चंगी तरह मेल्ट उस तरह नहीं हुई तो फिर तुम एक मिनट जो सारे बना लो गए ना तो एक मिनट माइक्रोवेव ओवन इनू गर्म कर जे तो वह जी है ना वह भी मेल्ट हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि डीप फ्राई करे जे ताकि उन्होंने भी जी चीज़ है उन्होंने भी गर्माइश मिले क्योंकि अंडा तो ब्रैड क्रम्स वो तो फौरी पक जाते हैं ठीक है ना। तो ऑयल तुम इन्ना भी नहीं गर्म करना कि थोड़े बॉल्स जड़े ने सड़ जा ठीक है ना। यह सड़ाने नहीं इन्हों डीप फ्राई करना बड़े सोहने जे तरीके। इतने जी फातमा जी मेरे नाल है किचन तो वह लाजमी जड़ा ना साढ़े नाल होंगी है। अल्लाह ताला इन्हों खुश रखे तो नसीब भी चंगे करे तो बस ए अपना फन मस्ती करती रहती है तो मैं भी इन्हों तंग करती हाँ वह भी मैनू करती है तो बस इस तरह टाइम लंघ जाता साडा। सो जी ए जी साढ़े बॉल्स तैयार ने। पहले मैं इसलिए थोड़े थोड़े पाए कि भी पहले इन्होंने चैक करिए तो खा के भी वेखिए। सब तो पहले मैं आप खादा सी कि भी किस तरह बनया तो बहुत ही मज़ेदार लग्या मैनू। तो फिर मैं क्या चलो जी आप तो असी बना रहे हैं लेकिन अपनी तारीफ आप नहीं करनी बाकियों को भी पूछ लई है तो बाकियों भी खिलाया सारियां पसंद आया। तो फिर ये बाद मैं यदि डेकोरेशन की इनू सोहना जहा टमाटर कट के ये उत्ते शिमला मिर्च रख के यदि फाइनल लुक की बनाई वीडियो तो थोड़े नाल शेयर कर रही हूँ। तुसी भी इस तरह बनाओ तो इफ्तार दी टेबल नू खूबसूरत सजाओ तो अपने प्यारियां तो लवो वाह वाह दी दाद। जदों वाह वाह मिलती है तो बंदे दा आयरन बढ़ता है तो बंदा खुश हो जाता है। तो खुश रहो हसते रहो वसते रहो तो मैनू अपनी दुआवां विच शामिल रखो। यह जी कैचअप नाल तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है सब कह रहे सी यह जी टेस्ट बेकरी वाला है तो मैं क्या जी मनपसंद बेकरी तो बनया तो तुम पसंद ही करोगे। यह जी डेकोरेशन पीस मैं मंगाया जी स्टार्ट विद बिस्मिल्ला एंड विद शुक्र अलहमदुल्ला तो शुक्र अलहमदुल्ला हर वेले पढ़ना चाहिए। यह जी फाइनल लुक। वेलकम टू अनदर सेगमेंट माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। जी तो जैसे कि व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया तो मैंने इसलिए शॉर्ट शॉर्ट काम किया जबकि इसका पेंडिंग वीडियो है वो टू बी कंटिन्यूड होगी। सो आज माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी में मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल से शेयर कर रही हूँ आपको ब्यूटीफाई बाय सलमान। इनका जी ये गोल्ड सीरम है फेस सीरम गोल्ड 24K गोल्ड फेस ग्लो सीरम और ये जी इसमें पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे गोल्ड के और मतलब जो गोल्ड पेपर होता है उसके और सीरियसली मतलब मुझे तो ये बहुत सूट किया है और इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है और फेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें और यूज़ करें बहुत यूज़फुल है। और जब आप कभी भी फेस वॉश करते हैं अच्छा सा मॉइस्चराइज करके अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। सो ये लिप बाम मैं यूज करती हूँ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जी तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको होपफुली पसंद आया होगा। अब आप देखें कि स्टार्ट में जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो कोई टॉपिक होता है और उसको जब मैं बात करती हूँ तो वो इतनी लंबी बात हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उसको एंड में ले आऊं। शुरू में मैं बोल जाती हूँ तो मैं अब देखूंगी जब एडिटिंग करने बैठूंगी तो मैं यही सोच रही हूँ कि वो जो मैंने स्टार्ट में बोला था उसकी कुछ जो लाइंस थी वो कुछ नहीं बहुत ज्यादा लंबा था क्योंकि बोलते बोलते जब आप किसी चीज को शेयर कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता है बताने में। बस ये है कि सुनने वाला हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी पूरी बात सुनेगा आपका व्लॉग पूरा देखेगा। तो आप तो हैं ही प्यार करने वाले तो जरूर मुझे अपना प्यार शो करें मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें व्यूज दिया करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बहुत सारा आपका प्यार चाहिए। शाहरुख खान वाला जो ये स्टाइल है ना अब मुझे पता चला है कि वो हमेशा ऐसे क्यों करते थे। वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि इतना सारा उनको प्यार चाहिए तो उनको आवाम का इतना प्यार मिला ही है तो मैं भी आइंदा से ऐसे करूंगी कि आप लोगों का इतना सारा प्यार चाहिए मुझे और बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां अल्लाह ताला मेरा मुकद्दर भी करें आपका भी करें और हमें बहुत सारी कामयाबियां दें और हर बुरी और बद नजरों से बचाएं जो दूसरों का घर खराब करने की कोशिश करते हैं जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनको डिस्ट्रॉय करे। बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मैं कहती हूँ कि ये जिंदगी एक मकफाते अमल है। अगर आपने किसी के साथ आज बुरा किया है ना आप यकीन करें उससे डबल ट्रिपल आप भुगत के फिर जाएंगे आखरत की तरफ। सो इसलिए अच्छा बीज बोएं अच्छा करें और इज्जत दें प्यार दें जो देंगे वो लौट के आएगा चाहे वो इज्जत होगी चाहे वो प्यार है चाहे वो खुशी है वो जो जितनी आप बांटेंगे ना सीरियसली वो आएगी। और अगर आप
लोगों में दुख तकलीफ बांटेंगे तो आप यकीन करें आप डबल ट्रिपल भुख देंगे। तो इसलिए ये जो है ना, ये वार्निंग वाली है। तो इसलिए अपने आप को सुधारिए, अच्छा इंसान बनाइए, नेक इंसान बनाइए। जो जो बद नजर रहे लोग भी अगर देख रहे हैं तो अल्लाह ताला, मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और नेकी की तौफीक दे और हमारे लिए अच्छा करे इंशाल्लाह, और अच्छा होगा क्योंकि मेरा अल्लाह पे तवक्कल है। जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपके इरादे अच्छे हों, तो अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करते हैं। सो बुरे लोगों की हमेशा जो कहते हैं ना, हार ही होती है और हार होगी। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।